हमें समझना होगा कि दुख कई स्तरों पर होता है। किसी के किसी करीबी की कहीं मौत हो तो उन्हें महसूस होगा, क्योंकि शरीर में एक तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपके माता पिता ही इस शरीर का आधार हैं। आप में और उनमें यादों का एक बहुत गहरा संबंध है। मृत्यु बस यही है कि जो व्यक्ति आपके पास था वो अब मौजूद नहीं है, बस यही। एक जीवन गायब हो गया, आप उसके लिए नहीं रो रहे हैं। बात बस इतनी है कि एक व्यक्ति जो आपके लिए कोलाज का एक हिस्सा था अब मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपके जीवन में एक खाली जगह छोड़ देता है। वो आपके कितने करीब थे उसके मुताबिक ये आपके जीवन में उतनी बड़ी खाली जगह छोड़ देता है। तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु से नहीं जूझ रहे हैं, आप उस खाली जगह से जूझ रहे हैं जो वो आपके जीवन में छोड़ गए हैं। मान लीजिए दूर का रिश्तेदार या कोई दोस्त, एक परिचित व्यक्ति मर जाए तो आपको एक घंटे तक बुरा महसूस होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। पर आपका बहुत करीबी और प्रिय इंसान चल बसे तो वो एक बड़ी खाली जगह छोड़ के गए हैं। समस्या ये है कि आप ये खाली जगह भरना चाहते हैं जो आप में है। इस खाली जगह की वजह है, अब जो मैं कहूंगा वो उस स्थिति में मौजूद लोगों को बेरहमी लग सकती है, पर यह समझना जरूरी है अगर आपको सांत्वना चाहिए। अगर कोई मेरे पास आता है जिसने अभी अभी अपने प्रिय को खोया है तो मैं उन्हें गले लगाकर उनका बचाव करूंगा और सांत्वना दूंगा, पर यह तय करें कि आपको आराम चाहिए या जीवन में एक समाधान। क्योंकि आज ये व्यक्ति मरेगा, कल वो मरेगा, परसों मैं खुद मर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मरते रहते हैं क्योंकि हम मरने वाले लोग हैं। आइए इसे समझते हैं, हम सभी मरने वाले लोग हैं। सबसे पहले हमारे मन में ये पक्का होना चाहिए कि हम एक दिन मरेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि दुख कई स्तरों पर होता है। एक मानसिक दुख होता है, विचारों और भावनाओं में उस व्यक्ति की कमी महसूस होती है। पर एक और चीज ये है कि आपने उस व्यक्ति की अपने शरीर में कितनी याददाश्त बनाई है। मान लें कि अगर वो आपका बच्चा या पति या पत्नी या कोई बहुत करीबी रिश्ता हो तो आपके शरीर में कुछ याददाश्त होगी। इसे पारंपरिक रूप से योग संस्कृति में ऋणानुबंध कहते हैं, यानी शरीर ने एक बंधन बनाया है। योर साइकोलॉजिकल फ्रेंडशिप्स and companionships and love and whatever else you have. आपकी मानसिक मित्रता, मेल और प्रेम वगैरह से परे शरीर ने खुद ये बंधन बनाया है। कई लोग ये महसूस करते हैं उनका कोई करीबी कहीं मर गया, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, पर अचानक उनकी ऊर्जा कम हो गई है और वो नहीं जानते कि क्या हुआ है, पर वो अचानक लगभग बीमार हो गए, वो कमजोर महसूस करने लगे। फिर कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी मिली, पर यह पता चलने से काफी पहले ही उन्हें वैसा महसूस हुआ, क्योंकि शरीर में एक तरह की प्रक्रिया है कि यादें खुद को मिटाने लगती हैं और आपको लगता है कि आपको कोई छोड़ रहा है। 21 साल की उम्र तक अपने माता पिता या बच्चों के साथ आपका ऋणानुबंध सबसे मजबूत होता है। 21 वर्ष की आयु पार करने को पहली तिमाही कहते हैं। योग की दृष्टि से जीवन का चक्र 84 साल का है। The first quarter is 21. पहली तिमाही यानी 21 साल। 21 से कम की उम्र में आपके माता पिता मर जाएं या 21 से कम उम्र का बच्चा मर जाए तो परेशानी सिर्फ भावनाओं में नहीं, शरीर में भी परेशानी होगी। वो शरीर में प्रकट होगी, शारीरिक इसलिए होगी क्योंकि ऋण अनुबंध मजबूत है। पर 21 के बाद काफी हद तक विचारों और भावनाओं में परेशानी होती है। ऋण अनुबंध से हमारा मतलब है कि आपकी भावनात्मक या मानसिक परेशानी अलग चीज है। ऋण अनुबंध यानी शरीर की यादें, शरीर में यादें होती हैं, क्योंकि जिसे आप माता पिता कहते हैं वो इस शरीर का आधार है।
आपके बीच एक बहुत गहरा यादों का रिश्ता है जो 21 वर्ष तक सबसे मजबूत होता है। 21 के बाद ये कमजोर हो जाता है, पूरा खत्म नहीं होता, बस कमजोर होता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 42 वर्ष है और आप एक पुरुष हैं, तो आप में तब भी काफी दर्द भरा ऋण अनुबंध होगा। पर अगर आपकी उम्र 42 साल है और आप महिला हैं, तो आपका ऋण अनुबंध ना के बराबर होगा, बिल्कुल गायब नहीं होगा पर बहुत कम होगा। तो आपकी पीड़ा काफी हद तक भावनाओं और विचारों में होगी। अगर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हैं, तो आप देखेंगे कि आप इसे आसानी से संभाल लेंगी, क्योंकि सिस्टम में शारीरिक उथल पुथल नहीं होगी। पर अगर उनका पति मर जाए, तो वो ऋण अनुबंध शारीरिक परेशानी देगा, क्योंकि वो अलग तरह का ऋण अनुबंध है। 7-7.5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा ऋण अनुबंध नहीं होता। माता पिता में शायद बहुत अधिक ऋण अनुबंध हो, पर बच्चों में ज्यादा ऋण अनुबंध नहीं होता। वजह सिर्फ मानसिक नहीं है, 7.5 साल से कम के बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, शारीरिक उथल पुथल नहीं होती। देखभाल ना हो तो परेशानी हो सकती है, अगर वैसी स्थितियां हो तो। मैं इस चीज की गहराई में नहीं जाना चाहता, पर अगर किसी महिला की उम्र 42 से ज्यादा है और वो अपने माता पिता को खो दे, दिस इज वाई इन दिस कल्चर वुमेन आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू कर्मस। तभी इस संस्कृति में महिलाओं को कर्म कांड नहीं करने पड़ते। कर्म कांड मृतकों के लिए होते हैं, आप पर उनका ज्यादा असर नहीं होता, पर 21 से कम के लोगों को कर्म कांड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मृतकों के लिए भी है और आपके लिए भी। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मर गया वो गया, जो होता है हुआ, पर शायद आपके जीवन में उथल पुथल बनी रहे, क्योंकि एक भौतिक याददाश्त है जो आपको एक अलग स्तर पर पीड़ा देगी। भले ही आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हों, फिर भी आपके अंदर एक दर्द बना ही रहेगा। इसके लिए ऐसे योग अभ्यास हैं जिनसे आप शरीर को फिर से जीवंत कर सकते हैं। इसकी एक पूरी व्यवस्था है, हमने योग केंद्र में इसे बहुत जीवंत रखा है। जो लोग अपने प्रियजन को खो देते हैं, उनकी भौतिक याददाश्त को हम कुछ प्रक्रियाएं करके दूर करते हैं। शारीरिक याददाश्त दूर होने के बाद मानसिक पीड़ा को लोग काफी आसानी से संभाल पाते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कुछ कर ना पाए, तो मृतक के लिए कर्म और क्रिया कैसे करें? सबसे सरल चीज है 3 दिन की साधना करना, क्योंकि ये अपने अंदर की जा सकती है। एक उम्र के बाद ये काफी हद तक मृतकों के लिए ही होती है, पर आप में भी उनका एक तत्व है जो पूरी तरह नहीं जाता। हमारा शरीर उस वंश की जानकारी से कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं होता जो हमें माता पिता से मिली है। उससे परे जाने का एक तरीका है, पर हम पूरी तरह आजाद नहीं हैं। भौतिक शरीर एक खास तरह से काम करता है, तो बस 3 दिन तक अलग रहना और साधना करना। अगर आप और कुछ नहीं जानते, तो बस महामंत्र ओम नमः शिवाय का 3 दिन जितना हो सके उतनी तीव्रता से जाप करें। आप दिन में कम से कम 4.5 घंटे ऐसा करें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूर रहना अच्छा है, वो एक संवेदनशील समय होता है। पर अब मृत्यु और अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद की चीजें एक सामाजिक बकवास बन गई हैं। लोग घर पर आते हैं, आपको उन्हें कुछ खिलाना या पिलाना पड़ता है। पश्चिमी देशों में ये एक बड़ी बात हो गई है, भारत में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। बेहतर यही होगा कि आप समाज के बकवास से दूर होकर कुछ समय अकेले रहें। जब आपके जीवन से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति चला जाए,
तो ये जरूरी है कि आप सामाजिक चीजों से खुद को बहलाने के बजाय अकेले रहकर अपने साथ कुछ करें। ये सामाजिक चीजें हैं, लोगों का दुख संभालने का तरीका है, मूवी देखना, किताब पढ़ना या फिर टीवी देखना। दिल बहलाने की कोशिश ना करें, हमें अपने अंदर की परेशानियों का सामना करना चाहिए। अपना ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें, ध्यान भटकाना समाधान नहीं है।